तो दोस्तों आज इस वीडियो में जानने वाले हैं कि बजाज फाइनेंसर के जो EMI कार्ड होता है उसे हम ईमेंडेड कैसे करेंगे। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप बजाज कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, अगर आपके पास में बजाज कार्ड नहीं है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि आप बजाज कार्ड कैसे अप्लाई करेंगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट वो वीडियो देख सकते हैं और साथ साथ में आप जो अपना बजाज कार्ड वो बनवा सकते हैं। तो देखिए, बजाज कार्ड बनाने के बाद में जैसे आपको लिमिट वगैरह सब कंप्लीट मिल जाती है, उसके बाद में आपको ईमेंडेड करना होता है। ईमेंडेड इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जब भी आप कोई आइटम परचेज करेंगे तो उसकी EMI आपके उस अकाउंट से काट ली जाएगी जिससे आप ईमेंडेड करते हैं, तो ईमेंडेड उसे ही बोला जाता है। तो इस वीडियो में आज वही जानने वाले हैं कि हम ईमेंडेड कैसे करेंगे और इसका क्या चार्जेस वगैरह या क्या फीस रहने वाली, वो सारी डिटेल हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों बजाज EMI कार्ड पर ईमेंडेड करने के लिए आपको सबसे पहले बजाज जो ऐप है वो डाउनलोड कर ले, उसके बाद में यहाँ पर आपको EMI नेटवर्क पर चले जाना है। EMI कार्ड करेंगे, जैसे आप EMI कार्ड करेंगे तो यहाँ पर लिखा आएगा जैसे ईमेंडेड पेंडिंग, तो जो हमारी लिमिट है वो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जो कि हमारी लिमिट यहाँ पर हमें देखने को मिली 125,000 रुपये। तो अभी यहाँ से लिखा हुआ आ रहा रजिस्ट्री और ईमेंडेड फॉर हैशलेस प्री परचेज एक्सपीरियंस, यहाँ से हम रजिस्टर्ड नाउ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में जो हमारी डिटेल वो फेच हो रही है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि अकाउंट होल्डर नेम, IFSC कोड, आपको अकाउंट नंबर और आपके जो अकाउंट टाइप सेविंग करंट अकाउंट अब वो आपको डाल के, फिर जो यहाँ पर चेकबुक दिया इसको आपको क्लिक करके, जो नीचे की ओर प्रोसेड दिया गया है प्रोसेड पर आपको क्लिक करना होगा। चलिए हम डिटेल फिल करके प्रोसेड पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है पिके सूटेबल रजिस्ट्रेशन मोड, तो आप यहाँ से नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड दोनों से कर सकते हैं, तो अभी हम डेबिट कार्ड से करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जो हमारा अकाउंट में 1 रुपया भी क्रेडिट हो चुका है, उसके बाद में लिखा हुआ रहा सेलेक्ट पेमेंट ऑप्शन, तो यहाँ पर हम करेंगे ATM, उसके बाद में हम यहाँ से सबमिट करेंगे। तो अब हमारी जो आगे की डिटेल है वो यहाँ पर फेच हो रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक जो हमारा एक यहाँ पर एक कोड मिला हुआ है, वो कोड हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर एंटर हाई सिक्योरिटी पासवर्ड देखने को इसको पेस्ट करेंगे, उसके बाद में हम कन्फर्म करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कार्ड है वो एक्टिव यहाँ पर दिखा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास में ये वाला कार्ड है, यहाँ से हम इसको करेंगे कन्फर्म। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, वैलिडिटी एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर और आपका पिन नंबर और यहाँ पर जो कैप्चा दिया गया है वो कंप्लीट फिल करके आपको प्रोसेड पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों हमने सारी डिटेल फिल कर दी, इसके बाद में हम प्रोसेड करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि रेफरेंस नंबर योर डेबिट कार्ड वेरिफिकेशन इज सक्सेस, तो हमारा जो सक्सेस हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, पेमेंट डिटेल यू चूज बिलो, अकाउंट नंबर मैंडेट बजाज फाइनेंस, अमाउंट 25,000, बैंक अकाउंट नंबर मैंडेट स्टार्ट डेट 24/10, यहाँ हमारी जो 2032 तक रहने वाली है, तो यहाँ पर हम इसको करेंगे, उसके बाद में हम एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि योर पेमेंट वाज सक्सेसफुली, उसके बाद में जो हमारा पेमेंट है वो सक्सेसफुली यहाँ से हो चुका है, तो ईमेंडेड सक्सेस हमारा हो चुका है, वी आर रिडायरेक्टिंग आफ्टर 7 सेकंड। तो अब आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है यहाँ से, और उसके बाद में यहाँ से आपको प्रोसेड पर करना होगा। ये लिखा रहा है योर मैंडेट रजिस्ट्रेशन वाज सक्सेसफुली, प्लीज़ चेक अगेन आफ्टर, तो हमें थोड़ी देर बाद में यहाँ पर चेक करना होगा। तो हमारा जो ईमेंडेट है वो कम्प्लीट हो चुका है, यहाँ से हमारी जो कम्प्लीट हो चुका है, यहाँ से हम इसे थिंग यू कैन डू, यहाँ से हम हमारा पिन अब वो जनरेट कर देंगे, यहाँ से ब्लॉक कर देंगे। यहाँ से पिन जनरेट करने के लिए हमें एंटर न्यू पिन और री एंटर न्यू पिन करना होगा, तो चलिए पिन कर डाल देते हैं। तो ये अभी हमने कंफर्म कर लिया, उसके बाद में हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP आया जो कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होता है, तो चलिए इसे हम करेंगे। उसके बाद में आगे के जो हमारे जो पिन अब वो कंप्लीट सक्सेसफुली हो चुका है, आप देख सकेंगे पिन अपडेट सक्सेसफुली, तो हमारा पिन अब वो अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है। तो दोस्तों अब इसके फीस एंड चार्ज देख लेते हैं, जो कि ज्वाइनिंग फीस है इसकी 530 रुपीज़ है, उसके बाद में एड ऑन करवाते हैं तो आप 199 में एड ऑन हो जाएगा। कन्वर्सेशन फी जो कि फर्स्ट EMI पर आप कुछ भी लेते हैं उस पर 170 रुपये का कन्वर्सेशन फीस लगेगा, उसके साथ में आपको लोन एनहेंसमेंट में फीस लगेगी वो आपको एड ऑन फर्स्ट EMI। उसके बाद में दिखा रहा है मैंडेट रजिस्ट्रेशन चार्ज यानी RS 118 रुपीज़ इंक्लूसिव ऑफ अप्लीकेशन टैक्सेस विल बी अप्लीकेबल फॉर द बिलो बैंक्स, यानी इन बैंक से अगर आप जो ई मैंडेट करते हैं तो आपको 118 रुपये का चार्ज लगने वाला है। तो अभी हमारे कोई भी चार्ज नहीं लगा क्योंकि हमने स्टेट बैंक से किया था। तो यहाँ पर पेनल्टी एनुअल फीस इसके आप देख सकते हैं, दबाव चार्ज नॉट बी एप्लीकेबल लोन यूजिंग एमिनेट कार्ड इन द प्रेसेंट ईयर
बोनस चार्ज इसका 450 रुपये, डॉक्यूमेंट्स एडिशनल कैश। तो यहाँ पर आप पूरी डिटेल इसकी देख सकते हैं। तो दोस्तों हमने ईमेंडेट आपने दिखा कितने आसानी से कर दिया है, यानी कि अब जब हम कोई भी ईएमआई पर सामान लेंगे तो हमारे को ईमेंडेट करना जरूरी नहीं रहेगा, यानी हमने ऑलरेडी ईमेंडेट कर दिया है। तो इस प्रकार आप भी ईमेंडेट कर सकते हैं। तो हमने जो एसबीआई बैंक है उससे ईमेंडेट करवाया था जिसका कोई हमें चार्ज देखने को नहीं मिला। कुछ बैंक है जिनके ओर से आपको 118 रुपये तक का चार्ज देखने को मिलता है ईमेंडेट का। अगर आपके पास में एसबीआई का है तो आप ईमेंडेट कर सकते हैं उससे, जिससे कि आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। तो कुछ इस प्रकार की आपको ये जानकारी थी। अगर आपका कोई डाउट क्वेरी है कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए इस वीडियो को ही खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद जय भारत।